पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली में 2 साल बाद धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली पर होने वाले आगजनी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दमकल विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। दिवाली रात यदि कोई घटना घटित होती है तो उनको उपचार देने के लिए सारी व्यवस्थाएं को एक्टिव मोड पर रखा गया है। किसी तरह की कोई चूक भी ना हो जाए इस जिसके लिए दिल्ली के सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर है। सभी अस्पतालों में 5 से लेकर 20 बेड रिजर्व किए गए हैं। इन पर दिवाली की रात केवल आग से जलने वाले मरीजों का उपचार किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले साल आग की घटनाओं में 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के निदेशक सुभाष गिरी ने बताया कि दिवाली की रात आग की घटनाएं काफी आती हैं। ऐसे मरीजों के लिए अस्पताल के बर्न्स विभाग को अलर्ट किया गया है। दिवाली की रात विभाग के सभी डॉक्टर अस्पताल में ही रहेंगे, तो वहीं लोक नायक अस्पताल के बर्न्स विभाग को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि सेंट्रल दिल्ली से बड़ी संख्या में मरीज आपातकालीन विभाग में पहुंचते हैं। ऐसे मरीजों के लिए अलग से बेड रिजर्व किए गए हैं। उन्होंने आगे बताया, ऐसे मरीजों के लिए अस्पताल में 6 बेड रिजर्व किए गए हैं। ऐसे में एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने भी जलने के मामलों की आशंका को देखते हुए 15 से लेकर 20 अतिरिक्त बिस्तर लगाए गए हैं। इसके अलावा बंस विभाग के डॉक्टर की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि पटाखे या दिए जलाते समय वे विशेष सावधानी बरतें, खासतौर पर आंखों को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत है। सफदरजंग अस्पताल के बंस विभाग के प्रमुख डॉक्टर शलभ कुमार ने बताया कि दिवाली के दिन लहराते हुए खुले कपड़ों में खतरा अधिक रहता है। कोशिश की जानी चाहिए कि लहराते हुए कपड़े ना पहने। यदि ऐसे कपड़े पहनते हैं तो दिए से दूर रहें। डॉक्टर शलभ कुमार ने बताया कि दिवाली पर लोग लहराते हुए कपड़े पहनते हैं जिसमें आसानी से आग लग जाती है। उन्होंने आगे कहा कि दिवाली के दौरान दिए जलाते हुए विशेष ध्यान देना चाहिए। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।